Hi, so many of you got XRI.Gov's SOP submission, that means 12th last date है submission का, XRI ने उनको mail भेजा है। अब यहाँ पे बात ये देखने को मिल रही है, सर XRI ने इस कोर्स के लिए मुझको mail भेजा है, SOP submit करने को भेजा है, तो क्या मेरा BM का selection नहीं होगा? या if मैं अगर SOP submit करता हूँ, जिसकी last date 12th है, and BM का result 14th को आ रहा है, तो क्या मेरा ये BM को effect करेगा? तो ये बहुत क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे, मैं आपको सारा कुछ इस शॉर्ट वीडियो में बताता हूँ। पहला, देयर इज नो कोई कोरिलेशन नहीं है रटजर्स सिलेक्शन और बीएम सिलेक्शन का, दोनों इंडिपेंडेंट बॉडी को सिलेक्ट कर रहे हैं। यू हैव अ बेसिक कंपोजिटर स्कोर, अगर आप उस बेसिक कंपोजिटर स्कोर के ऊपर हो तो आपको रटजर्स का शॉर्ट वन शॉर्ट लिस्ट आया होगा, आपको एसओपी फिल करना होगा। अगर आप एसओपी फिल करना चाहते तो मस्ट फिल करो, कोई रिलेशनशिप नहीं है रटजर्स और बीएम के शॉर्ट लिस्ट का, कहीं कुछ नहीं है कि अगर मैंने SOP 1 सबमिट किया है, दैट मींस SOP ऑफ द रिजर्व सबमिट किया है, तो मुझे BM शॉर्टलिस्ट नहीं आएगी। तो आप रिजर्व का शॉर्टलिस्ट आगे बढ़ो, बिकॉज प्रोसेस अलग अलग जगह कंडक्ट हो रही है, अलग अलग बॉडीज कंडक्ट कर रहे हैं। तो बहुत बार देखा गया है कि मल्टीपल कॉल्स भी लोगों को एक्सेल से भेजा जाता है, लाइक एक्सेल से BMHR का कॉल्स आता है, मल्टीपल कॉल्स आता है। तो इन नटसेल मैं ये बोल रहा हूं, आपका रिजर्व SOP सबमिशन आया है, इसका मतलब बेसिक CS कंपोजिट स्कोर से थोड़ा सा ऊपर हो जो उनका रटजर का है, तो आपको SOP सबमिट करना चाहिए अगर आप सप्लाई चेन में इंटरेस्टेड हो तो, एंड यू आर विलिंग टू पे 60 लाख 75 लाख जो भी है, यू आर लुकिंग फॉर द एक्सेल, यू आर लुकिंग फॉर द सप्लाई चेन, तो आपका एक, क्योंकि वो पैसे तो चार्ज कर नहीं रहे हैं, आप SOP सबमिट करो। दूसरा हो सकता है कि बाई चांस आपने SOP सबमिट किया है और BM से आपको कॉल नहीं आया, BM कन्वर्ट नहीं हुआ, तो आपके दिमाग में चल सकता है कि माइट बी मैंने SOP सबमिट किया था इसलिए मेरा BM से कॉल नहीं आया, तो ये दिमाग से निकाल लो। दोनों अलग अलग बॉडीज कंडक्ट करवा रही हैं इस दोनों प्रोसेस को, तो रटजर एंड BM का दोनों प्रोसेस अलग अलग हो रहा है। 12th इज द लास्ट डेट, आप 12th को SOP सबमिट करते हो, जस्ट से कि आप 12th को ही SOP सबमिट करते हो, 14th को रिजल्ट है, तो बाई 12th तो एक्सेल ने अपना रिजल्ट तो निकाल ही दिया होगा, मतलब अपना रिजल्ट बना लिया होगा, 14th को सबमिट करोगे, तो नटसेल कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है रटजर्स एंड द XRI BM और द HRs के कॉल्स का। जिनके पास BM है उन्हीं के पास ये जनरली कॉल्स आता है। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, फील फ्री, इफ यू आर लुकिंग फॉर द सप्लाई चेन, इफ यू आर लुकिंग फॉर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सप्लाई चेन का कोर्स है, दिस इज नॉट अ जनरल कोर्स, इफ यू लुकिंग फॉर द सप्लाई चेन मस्ट गो फॉर द SOP एंड यू आर गोइंग फॉर द एक्सेल का ये कोर्स भी मुझे मिलेगा, तो मैं काफी अच्छा कर सकता हूँ। मैंने रटजर पे भी एक स्मॉल वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि उस कोर्स में आप क्या क्या उम्मीद कर सकते हो, क्या है क्या नहीं है। लेकिन अभी तो मेन वीडियो है, इस वीडियो का मेन रीजन है, क्या मेरा SOP ऑफ रटजर इज गोइंग टू इफेक्ट द BM कन्वर्ट्स? नो, इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट, कोई रिलेशनशिप नहीं है, दोनों अलग अलग बॉडीज अलग अलग कंडक्ट करवा रही हो। स्टिल अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं दे रहा हूं अपना बेस्ट, आप दो अपना बेस्ट, एंड लेट्स क्रैक ऑल द एग्जामिनेशन टिल द फाइनल कन्वर्ट्स, मेरा यही प्रॉमिस है। मैं आपको बीच में नहीं रोकूंगा कि चलो ठीक है कैट हो गया, जैट हो गया, टाटा बाय बाय, मैं आपके साथ कैट में भी फाइट करूंगा, जैट में भी आपके साथ खड़ा रहूंगा, बाकी एग्जाम में भी खड़ा रहूंगा, इंटरव्यू में भी आपके साथ रहूंगा, और जब तक कन्वर्ट नहीं होता है मैं आपके साथ बना रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।